उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रियो। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया, चूंकि इस समय पूरे संसार में और हमारे भारत के कई राज्यों में 144 की धारा लग चुका है, जिसके द्वारा हम पवित्र भवन में जाके आराधना करने तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो भी बीते 2020 में हमने घर में रहते हुए ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने प्रभु परमेश्वर की आराधना करने पाया। तो प्रियो, फिर से एक बार हम प्रभु परमेश्वर के चरण में आए और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस खजूर रविवार की आराधना घर में रहते हुए भी प्रभु की आराधना करने के लिए हमें चुना है। आइए हम आज की आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आरंभ करते हैं। आइए एक साथ मिलकर सारी दुनिया खामोश रहे इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, खुदा बाप के चरण में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे जलाली खुदा बाप, हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आज के इस खजूर रविवार की सुबह में आपके चरण तले आने का हियाव करते हैं मालिक, जबकि आपने हमें बीती रात्रि मीठी नींद दिया और प्रभु आज का पवित्र रविवार की सुबह हमारे जीवन के लिए जोड़ा कि प्रभु हम घर में रहते हुए प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए। जितने भी प्रिय जन प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने घरों में रह के आराधना आपकी स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करे हैं, हरेक को आपके चरण समर्पित करते हैं। आज की पूरी आराधना के माध्यम से गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु की महिमा में हम खड़े रहते हुए 412 नंबर का गीत हम गा रहे हैं, हजारों बच्चे खड़े हैं खुदा के तख्त के पास। Sana, 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 sana
आइए हम इस समय एक साथ मिलकर प्रेरितों का जो विश्वास वचन है हम एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से जीवितों और मृतों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, हम सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे और कुछ देर समय हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। विशेष रूप से हम दुआ मांगेंगे पूरी दुनिया के लिए, जबकि समय में भी कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। हम दुआ करें ताकि हर एक लोग सुरक्षित होने पाए और इस संक्रमण से बचते हुए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना के भाव में यहोवा नाम है तेरा इस गीत को गाएंगे। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है, हमारी
सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया, दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, सबसे महिमा प्राप्त करने वाले सेनाओं की यहोवा, आज के इस पवित्र रविवार में, खजूर रविवार की सुबह में, हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के जलन की और सामर्थ्य नाम को लेकर खुदा, तेरे बेटी और बेटियां फिर से आपके चरण तले आते हैं प्रभु। और प्रभु परमेश्वर आपने हमें इन बातों को सिखाया है कि हम आपके अच्छे आराधक बनने पाए, आपने हमें ये सिखाया है कि आपकी आज्ञा पालनता में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि प्रभु आप पर हमको विश्वास करना है, आप पर भरोसा रखना है। प्रभु होने दे कि प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारा विश्वास आप पर दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। प्रभु हमने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाते, प्रभु हमें सहायता केवल आपकी ओर से मिलती है। आपने हमसे वादा कर दिया कि हर प्रकार की मरी से, हर प्रकार की महामारी से बचाने वाला सेनाओं की यहोवा मैं हूँ। आप हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं सेनाओं की यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। बीते समय में प्रभु परमेश्वर 17 फरवरी से प्रभु, जबकि पिता आपके पवित्र भवन में आराधना करने के द्वारा और प्रभु घर में रहते हुए हमने खुदा जी आपकी स्तुति आराधना करने पाया, उपासित जीवन हमने व्यतीत करने पाया, आपकी ओर से प्रभु परमेश्वर उन आशीषों को हमने प्राप्त किया जो आपने हमारे जीवन के लिए ठहराया था स्वामी। और प्रभु परमेश्वर जबकि इस समय पिता, जबकि प्रभु 144 का धारा लगा हुआ है कई स्थानों में, कई राज्य में प्रभु परमेश्वर, लॉकडाउन की स्थिति है खुदा, और प्रभु कोरोना महामारी का संक्रमण और भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं खुदा, हर प्रकार के वायरस को दूर करने वाले, हर प्रकार की बीमारी पर प्रभु जी विजय प्राप्त करने वाले, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने वाले सेनाओं की यहोवा आप हैं। जितने भी पिता मेडिकल फील्ड में, जितने रहने वाले, जितने स्टाफ में प्रभु जी, जो खुदा बाप जितने
भी बीमार हैं, उनके बीच में पिता अपनी सेवाओं को देते हैं, उनको और भी दुगने सामर्थ्य भरिए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु परमेश्वर देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और जितने भी नेतागण है प्रभु जी, जबकि इन दिनों में प्रभु परमेश्वर जो जिम्मेदारी उनके कांधों पर आती है, उन जिम्मेदारियों को पिता बड़े ईमानदारी के साथ करने के लिए हर एक लीडर की आप निगवान करिए, ताकि पिता प्रभु जी हर प्रकार के उन बातों को प्रभु जिसके द्वारा पिता इस संक्रमण जो बढ़ रहा है उसकी रोकथाम में प्रभु जी खुदा बाप मेहनत करने के लिए, पिता हर एक उचित निर्णय लेने के लिए, हर एक उन बातों को करने के लिए खुदा हर एक पदाधिकारियों की आप निगवान करिए प्रभु जी, हर एक बीमारों को, हर एक संक्रमण से प्रभावित लोगों को आपके तेजोमय जलाली सामर्थ्य हाथ में रखते हैं, क्योंकि प्रभु आप धर्म का सूर्य उदय करते हैं, उनके किरणों के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। आपने कह दिया कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम्हारे घाव को ठीक करूंगा, यहोवा की वाणी है पिता। हर एक बीमार, हर एक पिता समस्या में और प्रभु गोद में दबे हुए लोगों को आपके जोरावरी हाथ समर्पित ने खुदा हर प्रकार के समस्या का समाधान करने वाले सेनाओं की यहोवा प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस परिस्थिति में प्रभु जी हम घर में रहते हुए ऑनलाइन के माध्यम से, प्रभु यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रभु परमेश्वर आपकी आराधना करने पा रहे हैं पिता। इस आराधना में प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितने लोग जुड़ने वाले हैं हर एक को प्रभु आपके हाथ में अर्पित करते हैं, ताकि प्रभु जी आज की आराधना के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक लोग आपके पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरने पाए, अपने आप को यीशु राजा आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार करने पाए, बड़े आत्म सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर धार्मिकता के मार्ग में बढ़ते हुए आपकी दृष्टि में जो अच्छा है उत्तम है उन्हीं कार्यों करते हुए खुदा अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन शैली के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभु परमेश्वर आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर से मिलाने पाए, ऐसा प्रभु जीवन व्यतीत करने की निगरानी करिए सेनाओं की यहोवा। हम दुआ मांगते हैं पिता, जबकि प्रभु जी जब जब लॉकडाउन हुआ पिता, जब जब पिता ये समस्या हुई हमारे कलीसिया के जवान पिता, हमारे भाइयों ने पिता अपने कार्यों को छोड़ते हुए खुदा इस जगह पिता रिकॉर्डिंग के संबंध में जो प्रभु अपने सेवाओं को देते हैं उनको भी प्रभु उनके परिवार को अपने दुगने सामर्थ्य भरिए खुदा, ताकि पिता आपने किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। हम दुआ मांगते हैं हमारे स्त्री परिवार के लिए प्रभु, जिन्होंने खुदा रिकॉर्डिंग के लिए अपने द्वार को खोला और इस जगह पिता आराधना करने के लिए पिता अपने समय उन्होंने दिया है, हम धन्यवाद हैं इस परिवार को प्रभु। इस घर में आपकी कल्याण की घोषणा करते हैं, परिवार के पति पत्नी व बच्चों के जीवन में आपकी आशीष नित्य बना हुआ रहे। हे सेनाओं की यहोवा हम दुआ मांगते हैं पूरे विश्व भर में जितने तुझ पर ईमान रखते हैं, तुझ पर जितने विश्वास करते हैं, इन दिनों में समस्या बढ़ा हुआ है आपके नाम को लेने के द्वारा पिता संसार में बहुत सी ऐसे पिता परसिक्यूशन की बातों को प्रभु फेस करना पड़ता है। आपने हमको सिखा दिया प्रभु आपके मार्ग में चलना, इसका मतलब कांटों भरे मार्ग में होके गुजरना है, हर एक दिन आपके क्रूस को लेके चलना है, हर एक दुख और तकलीफ और समस्या का सामना करने के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु। होने दे हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए, हर प्रकार का सतावा का सामना करने के लिए हम अपने आप को मानसिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से प्रभु सारे रीति से हम अपने आप को तैयार करें और उसके माध्यम से ही प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजा, प्रभु आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं। फिर से एक बार कहता है कल से ही हर एक योजनाओं के लिए, हर एक प्रभु आगामी दिनों के हर एक उन कार्यक्रमों के लिए जो प्रभु जी होने वाला है, जिसकी योजना बनाई जा रही है, हर एक उन बातों को प्रभु आपके चरण समर्पित करते हैं खुदा। तेरे सुसमाचार हर एक प्रचार उनको प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, उनके जीवन के द्वारा कथा बहुत तेरे लोग आप सच्चे होगा प्रभु परमेश्वर जानने पाए। हर एक पिता भोज में दबे हुए लोगों का समाधान करने वाले राजा आप हैं, हर प्रकार की समस्या तकलीफ से बचाने वाले सेना की हुआ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें सुंदर अवसर दिया प्रभु, फिर से एक बार कहता पूरी आराधना को आपके चरण अर्पित करते हैं, साथ ही साथ जो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाएगा पिता आपके सेवक के द्वारा, आपके अभिषेक के माध्यम से, रेवरेंड सेमन सुना के माध्यम से जो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाता है खुदा होने दे वचन पिता हर एक हृदय में बहुत कार्य करने पाए, हर एक के
जीवन में आशीषों को लेकर आने वाला हो। आपका वचन ताया हुआ है, आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, आपका एक वचन जीवन को बदलने में सामर्थ्य होने दे। आज के वचन के द्वारा हरे लोग प्रभु आध्यात्मिक उन्नति में और भी फलवंत और मजबूत होते चले जाए। और अपने मन को पिता, अपने जीवन को आपने कह दिया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु होने दे उस मंदिर में प्रभु, केवल आपको हम स्थान देने के लिए अपने आप को प्रभु जी आपके चरण में लाके अपने आप को तैयार करके चले जाए। ऐसा करने के लिए मदद करिए पिता। जितने भी प्रिय जन पिता आज की आराधना में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो प्रभु पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे वो प्रभु उत्तरवादी पाठ पढ़ने के द्वारा, चाहे वो बाइबल पाठ पढ़ने के द्वारा, हरेक को प्रभु परमेश्वर अपने दुगने सामर्थ्य भरिए। हमारे सकल पाप अपराधों को क्षमा करिए, अपने लहू से धो के पाकर पवित्र करिए, और आपकी महिमा के लिए खुदा जी आपके स्वर्गीय राज्य के विस्तारीकरण कार्य करने के लिए प्रभु परमेश्वर आप हमें तैयार करिए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। आइए प्रियो इस समय हम बारी बारी से पढ़ने के लिए उत्तरवादी पाठ गीत किताब से हम निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 3 मसीह महाराजा है। मैं आपके सामने चुने हुए पाठ पढ़ने जा रहा हूं। चुने हुए पाठ की संख्या है 3 मसीह महाराजा है। अंतिम पद हम साथ में पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बात सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा खड़े होते हैं और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बांधे हुए बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को फेंक दे। जो स्वर्ग में विराजमान है सो हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे कोप करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबरवाएगा कि मैं तो अपने ठहराए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे भाग में दे दूंगा और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि कर दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू मिट्टी के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर करेगा। सो अब हे राजाओं बुद्धिमान हो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश मान लो। यहोवा की सेवा डरते हुए करो और थरथराते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो न हो कि वह कोप करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका कोप भड़केगा। क्या ही धन्य है वे सब जो उसके शरणागत है। सम्मिलित हो और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकाश की बाट चूमते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और अपने लिए एक ऐसा निर्दोष शुद्ध करे जो हमारे कामों में सरगम हो। आइए प्रियो हम खड़े रहते हुए स्तुति गीत हम गाएंगे। हो पिता के स्तुति के लिए
जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 12वें पद से लेकर उसके 19वें पद तक निकाल लीजिए। यूहन्ना 12:12 से 19 तक वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इसराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरिसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। यहाँ पे आज का वचन समाप्त होता है, जो वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार चलने की गाके मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार सो जिनका बीते हफ्ता राज विभाग की वर्षगांठ है, जिनका वो जन्म दिवस है और जिन्होंने प्रभु परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त किया और आपके जीवन में जो समस्या थी तकलीफें थी उससे आपने प्रभु में होके नजात प्राप्त किया है, ये आप लोगों के लिए अवसर होगा प्रियो। जैसा कि हम अपने घरों में रह के आराधना कर रहे हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए विशेष दुआ करेंगे। और मैं दुआ करने में निवेदन करूंगा, रेवरेंड सेवन सुना सामने आएंगे और हमारे प्रियों के लिए दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिदेव परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थ्य नाम में हम आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए और इसके साथ ही साथ आज के दिन में और पिछले सप्ताह में हमारे जितने भाई बहनों का जन्म दिवस था और जिन परिवारों में पति पत्नी के जीवन में आपने वर्षगांठ के द्वारा विवाह के वर्षगांठ के द्वारा आपने उनको आशीष दी, परमेश्वर पिता हमारे कितने सदस्यों के जीवन में उनकी बीमारी से छुटकारे के रूप में आपने आशीष दी, कई प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर पिता उनका निराकरण करते हुए आपने उन पर अनुग्रह किया। परमेश्वर पिता आज हम आपको धन्यवाद करते हैं कि ये समय भी आपने दिया प्रभु जी कि हम विशेष रूप से प्रार्थना में उनको स्मरण करें और उनके जीवन पर आपके अनुग्रह को और आपकी आशीष को मांगें। हमारी प्रार्थना और विनती है खुदावंत कि जिस प्रकार से आपने अब तक उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जीवन के आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति उनके संग और साथ बनी रहे। महान परमेश्वर आप हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी और न्यायी प्रभु आप हैं। हमारी विनती है कि आपके अनुग्रह में ये सब अपने आत्मिक जीवन में फलवंत होते जाएं
बलवंत होते जाए। परमेश्वर पिता न सिर्फ स्वयं के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष और अनुग्रह का कारण ठहरते जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जब ये संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियों से इनका सामना होता है, शैतान अपनी युक्तियों के साथ सामना करने के लिए आता है, निवेदन करते हैं कि आप उन्हें बल और ताकत दें, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए प्रभु जी, ताकि ये हर परिस्थिति में अपने विश्वास को थामे रखें। इनके जीवन के द्वारा हमेशा आपको महिमा मिले। परमेश्वर पिता, आपने हम सबों के लिए उद्देश्य ठहराए हैं और आपका वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके उद्देश्य के साथ ही साथ इनके जो मनोरथ हैं उनको पूरा करने के लिए भी इनकी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहें, ताकि परमेश्वर पिता अपने जीवन में आपकी व्यवस्था से बल प्राप्त करते हुए ये सफलता को प्राप्त कर सकें। हमारे प्रियजनों ने यदि किसी वृत्ति से पाप अपराध किया, गलती की, परमेश्वर पिता दया करके क्षमा करें। आपके बेटे मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, जो वचन हमने पढ़ा है उसको सुनने से पहले हम कुछ देर प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ गीतों गाएंगे और उसके पश्चात प्रभु परमेश्वर के सेवक रेवस्य में सुना के द्वारा उस जीवित जलाले वचन को हम सुनेंगे। Oh, Shanda ke naare.
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए, पाम संडे के लिए। यद्यपि हम अपने पवित्र भवन में परमेश्वर पिता की आराधना सामूहिक रीति से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी जो साधन हमारे पास परमेश्वर पिता ने उपलब्ध कराया है उसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पाते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। और जो समय परमेश्वर पिता ने हमें दिया है कि थोड़ी देर के लिए उनके पवित्र वचन पर ध्यान करें, मनन करें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह प्रदान करें कि हम आज के इस दिन विशेष के महत्व को समझ सकें और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरी करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्हें आपने शांति के राजकुमार के नाम की उपमा दी और उन्होंने उस पद को सुशोभित किया, उन्हीं के पवित्र और मीठे नाम में हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि जब हम थोड़ी देर के लिए आज के पढ़े गए वचन पर खजूर इतवार के ऊपर मनन और चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में एक विजेता की तरह प्रवेश के ऊपर मनन और चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का गधी के बच्चे पर और गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर उस नगर में आने के बारे में हम सोच विचार करते हैं। हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार जो आप इस घटना के माध्यम से बताना चाहते हैं उसको अपने जीवन में हम लागू कर सकें। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारी कलीसिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय में जितने भी लोग, हमारे जितने भी सदस्यगण, भाई बहन, छोटे बड़े सब परमेश्वर पिता इस समय आराधना में शामिल हैं, सबों के जीवन पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने उन्हें आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज खजूर रविवार है और कल से अर्थात सोमवार से पैशन वीक या दुर्भोग सप्ताह में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और ये पूरे सप्ताह में खजूर का रविवार ही एकमात्र ऐसा दिन है जो खुशी का दिन है और इस त्योहार के पीछे या इस घटना विशेष को त्योहार के रूप में मनाने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो ये कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के नगर में गधी के बच्चे पर एक जुलूस के साथ प्रवेश करते हैं। और जब हम उस घटना को देखते हैं तो पाएंगे कि लोग पुकार पुकार कर उस समय जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं उस समय जो लोग हैं वो पुकार पुकार कर कहते हैं कि होशाना होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। कई लोग नगर में हैं, नगर से वो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं, एक भीड़ नगर में है, एक भीड़ बाहर से आ रही है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आ रही है। और जैसे हम कई बार देखते हैं कि दो नदी आपस में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह उधर से आते हैं ये इधर से मिलते हैं और ये सब मिलकर होशाना होशाना के नारे लगाते हैं। वचन में लुका रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय और उसके 38 से 40 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे, वहां लिखा है कि कई लोगों ने मना भी किया, प्रभु यीशु मसीह को मना भी किया कि आप प्रभु यीशु मसीह से कहा कि उनको आप मना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे।
उस भीड़ में से कुछ ने प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में खेतों में से पेड़ों की डालियां काट काट कर प्रभु यीशु मसीह के आगे बिछाया। कुछ ने हाथों में खजूर की डालियां ली, यीशु मसीह से भेंट की और परमेश्वर पिता की स्तुति किया, और कुछ ने अपने कपड़े जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं वहां पर उन लोगों ने उस रास्ते पर अपने कपड़ों को बिछाया। और जो कि इस त्योहार को मनाने में डालियों का उपयोग किया जाता है वो इसलिए क्योंकि उस समय खजूर की डालियों को लेकर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। उस समय पहले के समय में जब एक विजेता नगर में प्रवेश करता था, एक राजा नगर में प्रवेश करता था, अगर वो विजयी होकर प्रवेश कर रहा है तो लोग उसके स्वागत में खजूर की डालियों को लेकर उसका स्वागत करते थे। खजूर का पेड़ आप जानते हैं पतला और काफी ऊंचा होता है और उसकी पत्तियां एक बड़े पत्ती के पंख के समान होती हैं। खजूर का पेड़ अपने आप में कड़ापन लिए होता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो जड़ है वो जमीन में पानी को कहां पर पानी है वहां तक पहुंचने में वो बहुत ज्यादा सक्षम होती है और काफी गहरी होती है इसकी जड़, इसलिए इसकी जो आयु है वो काफी लंबी होती है, लगभग 200 वर्ष। और इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र में धर्मी की तुलना खजूर के वृक्ष से की गई है। हम पढ़ते हैं कि धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। और इस वृक्ष के काफी भाग को लोग अपने दिनचर्या में काम में लाया करते थे और इसके द्वारा वो अपने इसको उनके ये जो खजूर का पेड़ है, खजूर की डालियां आई है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा मिले हुए थे। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं और यरूशलेम फिलिस्तीन देश की राजधानी थी और यहीं पर सुलेमान का प्रसिद्ध मंदिर था। यरूशलेम यहूदियों के जीवन तथा आराधना का केंद्र बिंदु था। जैसे कि मनुष्य के शरीर का केंद्र बिंदु उसका हृदय है, उसी प्रकार से इसराइलियों के लिए, परमेश्वर पिता के लोगों के लिए, उनके धार्मिक जीवन के लिए उनका जो केंद्र बिंदु है वो यरूशलेम है। यद्यपि इस समय हम याद रख सकते हैं कि पूरे इसराइली या इस समय का फिलिस्तीन यरूशलेम ये रोमी साम्राज्य के अधीनता में है और यहूदी लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें गुलामी से छुटकारा देने वाला है, जिसके आने की भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की है और भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि वो लोगों को उनकी गुलामी से, उनकी दासता से छुटकारा देने वाला है। और लोगों के मन में यही है, एक बात उनके मन में है कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मसीहा के रूप में उनके दासता से, उनके दासत्व से छुटकारा देगा और प्रभु यीशु मसीह को वो उसी रूप में देख रहे हैं। जब हम मरकुस 11 और 1 से 11 को पढ़ेंगे तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातों को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इसी घटना से संबंधित है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में से दो को भेजते हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर लाओ और यदि तुमसे कोई पूछे कि क्या करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इस संबंध में कई बातें हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में आ सकती हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है, जो जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि कहां पर क्या मिलेगा और लोग उस समय जब उस गधी के बच्चे को खोलकर लाया जाएगा तब उस समय उससे क्या प्रश्न करेंगे और उसको क्या उत्तर देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वहां पर भी कि वो पूर्णतया परमेश्वर है उसको वो प्रकट करते हैं। यदि हम भजन संहिता 139:15-16 पद पढ़ें, भजन संहिता 139:15-16 उसमें प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के, जो सब कुछ जानते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि ओमनीशियंट गॉड, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। सो प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि कहां पर क्या है और कौन क्या कहेगा, वो सब कुछ आगे पीछे हमारा
व्यतीत हमारा वर्तमान हमारा भविष्य जानने वाले परमेश्वर हैं। और वो कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें बना हुआ मिलेगा। तो एक शिक्षा हमारे लिए यह है इसमें कि हमें सामने के गांव में जाने की आवश्यकता है। हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो जा रहे हैं उनको हमको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शांति का संदेश वहां भी पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह जब गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक योद्धा युद्ध के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन वो एक शांति का संदेश को लेकर आ रहे हैं। गधी के बच्चे पर सवार होकर आने का तात्पर्य यही है कि वो एक मेल मिलाप का संदेश के साथ वो प्रवेश कर रहे हैं। उस समय के लोगों ने उस बात को नहीं समझा कि वो किस प्रकार के राजा, वो तो सांसारिक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। लेकिन वो शांति जो पाप के कारण भंग हो गई, वो शांति पाप के कारण भंग हो गई, उस शांति की पुनः स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह का उस यरूशलेम नगर में गधी के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश करना इस बात को बतलाता है। वो शांति जो कि आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन के कारण, हम पवित्र धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, यदि हम रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि उसके कारण पूरी सृष्टि प्रभावित है। और उस श्राप से बचाने के लिए यदि हम रोमियो 8 और उसका 22वां पद को निकालें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में तड़पती है। क्यों? इसलिए क्योंकि शांति नहीं है। आज भी यदि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी देखेंगे, इस समय को भी देखेंगे, तो इस समय भी पृथ्वी में शांति नहीं है, चैन नहीं है, परिपूर्णता नहीं है, समग्रता नहीं है। और इसका कारण मनुष्य का पाप है, परमेश्वर पिता से दूर चले जाने का ये परिणाम है, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का परिणाम है। और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर पिता से दूर हो गया। उस दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार के रूप में यहाँ पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के समय भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार उसका नाम हुआ। और उस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सार्थक करते हैं, वो बातें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। एक और बात जो कि हम इस घटना से हमको सीखने की आवश्यकता है, ज्यादा लंबा न जाते हुए वो ये, जैसे हम देखते हैं कि गधे के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह सवार होकर आते हैं। गधे के बच्चे को हम नम्रता और दीनता का परिचायक मानते हैं। हमें भी मुझे भी आपको भी इस समय में नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर पिता के आगे नम्र होंगे, जब हम परमेश्वर पिता के आगे हम दीन होंगे, तब वो शांति हमारे जीवन में आएगी और उस शांति के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता की स्वर्गीय शांति को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मन का दीन कौन है? मन का दीन वो नहीं है जो निर्धन या दरिद्र या गरीब है, बल्कि मन का दीन वो है जो अपने आप को जानता है, जो अपने आप को जिस पतित अवस्था में है उस बात को जानकर वो उस बात को स्वीकार करता है। पिछले दिनों में हम अपने 40 दिनों की प्रार्थना आराधनाओं के लिए प्रकाशित वाक्य की हमने पुस्तक में से 3रा अध्याय और उसके 11वें पद को लिया था, और उसमें फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में है। लेकिन सबसे पहले उसमें जिस कलीसिया का वर्णन है, इफिसुस की कलीसिया के बारे में, और उसमें स्मुर्ना के बारे में, पिर्गमुन के बारे में, सर्दिस के बारे में, थुआतीरा के बारे में, लौदिकिया के बारे में, उनमें से एक कलीसिया कहती है कि मैं धनी हूँ, लेकिन वचन कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, तू धनी नहीं है, तू निर्धन है, तू कंगाल है, तू नंगा है। जो मन का दीन है वो कभी नहीं कहता कि मैं धनवान हो गया। किसी भी रीति से हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हमको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। जो मन का दीन है वो कहता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा अपराध मेरे दृष्टि के सामने बना रहता है, मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और ऐसा करके मैं दोषी ठहरा हूं। और उस बात को स्वीकार करता है कि मैंने गलती की है। मन का दीन वो है
जो इस बात को स्वीकार करता है कि उसने गलती की है, उसको मालूम है कि उसके भीतर क्या बुराई है, अपने भीतर की ईर्ष्या, लालच, जलन, बैर, गुस्सा, बदला लेने की भावना, दुर्भावना, कड़वाहट, घृणा, इस संसार से लिपटे रहने की तीव्र अभिलाषा और इच्छा को जानना, स्वीकार करना, ये मन की दीनता है। और इस बात को स्वीकार करते हुए उसने इस बात को माना कि ऐसा करके उसने परमेश्वर पिता को दुखित किया। इसलिए भजन संहिता 39 और उसके 4 पद में लिखा है, मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। इस बात को समझने वाला मन का दीन है। सो जब हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को पूर्ण रीति से समझ जाते हैं और उसके बाद हम अपने आप को परमेश्वर पिता के सम्मुख ले जाते हैं, तब परमेश्वर पिता हमको माफ करते हैं और उनकी वो शांति जो हमको देना चाहते हैं, जिसके द्वारा हमारा संबंध पुनः स्थापित होता है, हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन उल्लासित होने का है, आज का दिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को शांति के राजकुमार के रूप में हमारे बीच में भेजा। इसके साथ ही साथ आज का दिन अपने आप को परमेश्वर पिता के चरणों पर नम्र और दीन होकर रखने का भी है कि प्रभु यीशु मसीह हम में होकर वो लोगों तक पहुंचे। अपने आप को नम्र और दीन करके हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं भी वैसा गधा बनूं जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने सवारी की, तो उसके लिए मुझको नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात करके मैं समाप्त करूंगा, वो ये जो उदाहरण बिली ग्राहम अक्सर देते थे कि जब उनसे पूछा गया एक बार कि लोग आपको इतना सुनते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आपका सम्मान होता है, तो वो कहने लगे कि जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किए और भीड़ जब उनका जय जयकार कर रही थी, तो गधा सोचे कि ये सब मेरे लिए है, तो ये ठीक नहीं है। जो कुछ हम करें वो परमेश्वर पिता की महिमा के लिए करें। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस शांति को दिया परमेश्वर पिता, जो कि उनके बगैर स्थापित होना, प्राप्त होना हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए असंभव थी। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से उन्होंने एक विजेता की मानिंद यरूशलेम में प्रवेश किया, उसी प्रकार से हम अपने दिलों को खोलते हैं प्रभु जी, कि हमारे दिलों में वो प्रवेश करें और कि परमेश्वर पिता हम उनके सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता उनकी ज्योति और उनका महामात्य परमेश्वर पिता उद्धार वो जगत तक पहुंच सके। खुदा परमेश्वर पिता, हमको मन में दीन होना सिखाएं, हमारे जीवन में जो पाप और अपराध हैं दया करके माफ करें, क्षमा करें। पिता, आप तो हमेशा हमको माफ करते हैं, जिस प्रकार से आपने राजा दाऊद को माफ किया, और जब उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और आपने वैसा किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार का अनुग्रह हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रदान करें। आज के इस दिन में आपकी विशेष आशीषों को आपकी कलीसिया के हर एक सदस्य के जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया संगति सहभागिता में हम मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने आशीषों को दिया है। धन्यवाद पिता, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमने सचमुच में एक अच्छा संदेश प्रभु परमेश्वर सेवक के द्वारा सुनने पाया है, और जिन वचनों को हमने सुना है प्रभु, उन वचनों को अपने जीवन में स्मरण करने के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट के लिए हमें गीत गा रहे हैं। गीत किताब से 91 नंबर का गीत है 91, संसार का सबसे बड़ा वैद वो है हमारा यीशु। इस गीत को गाएंगे, अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर को अर्पित करेंगे, और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे परिवारों में से घर का मुखिया जो है भेंट लेने में अगुवाई करेंगे। संसार का सबसे बड़ा वैद वो है हमारा।
समाप्त करेंगे। और फिर से एक बार मैं निवेदन करूंगा
जो अपने घरों में रह के हम आराधना प्रभु की करने पा रहे हैं। मैंने आपको कह दिया था कि जो घर के मुखिया हैं वो भेंट का पात्र लेके सामने खड़े हो जाए ताकि हम विशेष हम दुआ करेंगे। आइए दुआ में जाए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मुहब्बत करने वाले मालिक, फिर से एक बार आपके पवित्र चरण तले आने का याद करते हैं प्रभु। आज की इस प्रार्थना आराधना के माध्यम से आपने हमें आशीषित किया खुदा, सुंदर वचन को आपने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु उन वचनों के द्वारा हम अपने आप को तैयार करने पाए। अपने अभिषेक को प्रभु इस रीति से बहुतायत से इस्तेमाल करिए ताकि उनके सेवकाई के द्वारा बहुत तेरे लोग आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर को जानने पाए। जितने भी हमारे प्रियजन घरों में रहते हुए आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हर एक के जीवन में आपकी आज की घोषणा करते हैं। और प्रभु आपने हमें स्वस्थ रखा, जीविका उपार्जन करने के लिए आपने पिता अच्छे स्थान में हमने रखा। हमने पिता अपने घर से हम बाहर गए, मेहनत करे, हम बिजनेस करे, हम अपने कार्य करे, और प्रभु जो भी हमने कमाया है मेहनत मशक्कत करने के द्वारा, ये छोटा सा अंश प्रभु जी आपकी सेवा के लिए दिया है। प्रभु इस भेंट के साथ हमारे आत्मा देह प्राण को अर्पित करिए, साथ ही साथ जो प्रभु हमारे परिवारों के जो मुखिया पिता आज के भेंट को उठाने में प्रभु जी उन्होंने सहयोग दिया है, उनको भी अपने दुगने सामर्थ्य भरिए। जितने भी प्रियजन आज की आराधना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने सेवाओं को दिया है पिता, हरेक को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आने वाली आराधना में प्रभु जी एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए आपके चरणों तले आके पवित्रता के साथ सुभावान होकर आपको दंडवत करने के लिए हम अपने आप को नित्य तैयार करने वाले हों। फिर से एक बार प्रभु हरेक को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। भेंट को प्रभु अपनी महिमा अपने कार्य को इस्तेमाल करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रियो विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, और जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते हैं उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।